कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो कोई मामूली वीडियो नहीं है, ना। आज की वीडियो में हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट हर दफा की तरह। और अभी मैं बहुत नीचे आ चुका हूँ, ऊपर देखें, मैंने इतनी देर की खुदाई की कि मैं बेडरॉक तक के पास तक आ चुका। और आज हमने अपनी वीडियो ही स्टार्ट की है डायमंड निकालने से। तो मैं बहुत देर से लेकर खोद रहा हूँ और मुझे अभी तक कुछ मिला तो नहीं, यानी अभी अभी मैंने खोदना स्टार्ट किया है, कैसे मिलेगा। अभी मैं नीचे आ चुका हूँ और अभी मैं खो दे रहा हूँ, देखते हैं डायमंड्स मिलते हैं या नहीं मिलते। तो अगर मैं और थोड़ा सा खोदता हूँ क्योंकि टाइम लगेगा काफ़ी, तो मिलते हैं आपसे एक शॉट के बाद, यानी एक ट्रांजिशन के बाद, यानी थोड़ा सा 5 मिनट बाद मिलता हूँ आपसे। अभी मेरी पागलपनी की एक्टिंग देखना। तो गाइस, ये मुझे डायमंड मिले थे और ये देखें ये मेरी एक्टिंग थी। मैंने ये सोचा था कि मुझे असली में डायमंड मिल गया था, तो मैंने कहा एंडेसाइट यहाँ लगा दे दो और एंडेसाइट लगा के फिर आप लोगों को बोलूँगा कि हाँ मुझे डायमंड मिले। अरे तोड़े नहीं थे, है असली भाई, कोई क्रिएटिव वाला मामला नहीं करते हम, असली में मिले। 3 डायमंड ये आ गए और 5 अभी और ढूंढने का मेरा इरादा है, 5 और मिल जाए तो वो 5 ढूंढने में और ज़्यादा आप लोगों को वो लगेगा ना, यानी ये तो है भी केव, तो मैं आपको 5 ढूंढने के बाद फिर डायरेक्ट घर पे ही मिल लूंगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी भाई और फिर कोई देखेगा भी नहीं। ऐसी वीडियो बनाओ जो देखने में लोगों को मजा, इंटरटेनमेंट मिले, सही है। और ये आयरन की पिकैक्स अभी सोचोगे अभी तो नहीं थी, अभी कहाँ से वापस घर गया था लेने, लेके आया हूँ। और ये पीछे सोच रहे थे ना, पीछे ब्लॉक क्यों लगे, मैं इसलिए लगे मैं ब्लॉक क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि ज़ॉम्बीज ना आने, मैंने जल्दी से ब्लॉक लगा दिया ऐसी कि मत ऐसी। तो सो वेलकम बैक टू होम गाइस। और मुझे जो मैं माइनिंग करके आया, अभी मुझे ये सामान मिला, यानी डायमंड्स 5 और मिले और मैंने आयरन मिला थोड़ा सा, एक आयरन के स्क्रीनशॉट लिया, बाकी नहीं लिया। बाकी एमरल्ड मिला, लेपिस लेजुली का स्क्रीनशॉट नहीं लिया, उसका नहीं लिया, रेड स्टोन का कोल वगैरह मिला, तो इतना मुझे मिला। और इसके अलावा मुझे डायमंड के जो स्क्रीनशॉट हैं वो आपको भी नज़र आ रहे होंगे, जी हाँ वो डायमंड के स्क्रीनशॉट थे। और अब ये एमरल्ड का और ये जो है आयरन का, मैंने बोला कुछ आयरन तो ये कुछ आयरन का ही है। और बाकी ये सामान आप फिर से देख सकते हैं, मुझे ये मिला था पिकेक्स, मेरी आयरन की उसकी वो हेल्थ थोड़ी सी कम हो गई है। और एक सेकेंड में स्क्रीन थोड़ा सा अपना रोटेट कर लेता हूँ, हाँ अब सही है। और यहाँ पे मुझे शील्ड मेरे पास ऑलरेडी थी, आपको अगर आपको पता होगा ये जो स्टैक मिले हैं मुझे, इसके इन स्टैक से मैं कोबलस्टोन के इन स्टैक से मैं घर रिपेयर यानी मॉडर्न में या कह लो अपडेट करूँगा। तो अभी मैं अपना सारा सामान इधर रख देता हूँ, डायमंड इधर रख दिए, ये इधर, ये इधर, ये इधर। और मेरे पास फर्नेस भी था, अच्छा हाँ वो मैंने बनाया था, ये भी रख देते हैं, ये भी रख देते हैं, ये भी रख देते हैं, ये भी और ये भी और ये भी, हाँ ये भी रख देते हैं और ये भी रख देते हैं, ये भी रख देते हैं। उसके अलावा ये एक जगह कर लेते हैं, अब ये रख देते हैं और ये 62 है, चलो कोई बात नहीं। अब क्या कर रहा हूँ, हाँ अब क्या करें ये बोल रहा था, कर रहा हूँ मुँह सुन कर लिया। अब आयरन स्मेल्ट करते हैं, आयरन स्मेल्ट करते हैं। अभी ये लैपिस लजूली रख देता हूँ और ये भी रख देता हूँ, लैपियोलापुली जो भी होता है ये लैपिस लजूली। इसके अलावा हाँ अब ये चला गया बर्निंग पे, इतने ये स्मेल्ट होगा। स्मेल्ट होने के बाद मेरा इरादा ये है कि मैं इसका वो बनाऊंगा, इसका मैं एनविल बनाऊंगा एक। और ये आर्मर मैंने पहले से थोड़ा सा बना लिया था, जो पहले मुझे एक वो मिला था ना, मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में दिखाया था, मुझे थोड़ा सा आयरन मिला था तो उस आयरन से मैंने ये बना लिया। अभी हम थोड़ी देर में पहले घर वर बना लें, उसके बाद हम अभी वो भी बनाएंगे, क्या कहते हैं, डायमंड की पिकैक्स वगैरह बनाएंगे और लावा वावा ढूंढेंगे थोड़ा सा, क्योंकि लावा बनता तो है नहीं, लावा ढूंढ के थोड़ा सा ऑब्सीडियन निकालेंगे और फिर अगली लेवल में हम वो करेंगे, अगली एपिसोड में हम नेदर पोर्टल बनाएंगे और फिर नेदर में जाएंगे। तो अभी मैं अपना सामान ये अरेंज कर रहा हूँ, इतने वो मैं स्मेल्ट हो रहा है, इतने मैंने कहा अरेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये 5 हो गया है स्मेल्ट, इतने मैं बाहर ऐसे ही चल जाता हूँ क्योंकि मुझे अभी कोई काम नहीं है इसके अलावा।
और बाहर का एक चक्कर मार के आते हैं क्या हालात है। एंडरमैन, सर नीचे कर लो, मारेगी नहीं बस, क्योंकि मेरे पास कोई शॉर्ट वर्ड है नहीं, शुक्र गया। वापस तो नहीं आएगा ना मारने, इधर उधर देख लेता हूँ एक चक्कर मार के और मजीद कि है तो नहीं, नहीं कहीं नहीं है, चलो घर चलते हैं। अब मेरे ख्याल में वो स्मेल्ट हो गया होगा तो उसे देख लेते हैं। ये स्मेल्ट हाँ 9 हो गया तो एक ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 ब्लॉक उसमें लगते हैं ना हमारे, 3 ब्लॉक लगते हैं ना हमारे उसमें एनविल में। एनविल यार इतना कॉस्टली पड़ता है, यानी हम जैसों के लिए तो कॉस्टली होगा ना, जो अभी माइनक्राफ्ट में रिच नहीं है। ये आ गया एक ब्लॉक, अब बाकी का मैं क्या करूँ, बाकी अब मैं क्या करूँ, अब क्या करूँ। हाँ अब घर रिपेयर करने के लिए ना मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना कोबलस्टोन जो है वो भी लगा देता हूँ उसमें स्मेल्ट करने के लिए कोबलस्टोन पर। ये जब तक होगा तब तक कोबलस्टोन कैसे स्मेल्ट करूँगा। एक काम करता हूँ एक और फर्नेस बना लेता हूँ, ठीक है, एक फर्नेस बना लेता हूँ अभी। अभी स्टोन कटर बना लेते हैं पहले, फिर फर्नेस बना लेंगे, क्योंकि स्टोन कटर से मैं अपना वो बना यानी शेप दे पाऊंगा ना स्टोन्स को अलग अलग। मैंने तुम लोगों के इनबॉक्स में पढ़ा था, इनबॉक्स कर रहे थे कि तुम में से किसी ने। हाँ अब स्टोन कटर तो ले लिया, अब उसके अलावा फर्नेस बना लेता हूँ। ओए अभी तो मैंने देखा था ना मेरा एक फर्नेस था उधर चेस्ट में, ये रहा। चलो कोई बात नहीं, एक और फर्नेस वरना बनाता, अभी इसे इधर रख देता हूँ टेम्पररी, बाद में जब घर पूरा बन जाएगा तब इसे शिफ्ट कर देंगे। कोल यहाँ से, ओ यहाँ पे है कोल, कोल यहाँ से ले लेता हूँ, दूसरा वाला यहाँ से, और एक में एक स्टैक डाल देता हूँ, 19 डाल देता हूँ, और एक में एक पूरा स्टैक डाल देता हूँ। अब ये डालने के बाद मैं 56 इसमें ये कॉबल स्टोन डाल देता हूँ, इतने ये एक में हो रहा है, मैं और में भी कॉबल स्टोन डाल देता हूँ लेके। ये यहाँ से एक स्टैक इधर से ले लेता हूँ, बाकी सारे स्टैक अपने हाथ में रखता हूँ ताकि जैसे जैसे खत्म होते जाए वैसे वैसे मैं स्टैक उसमें भरता जाऊँ। और ये ड्यूराइट किसी काम का नहीं है, अभी एंडेसाइड भी नहीं रखना, एंडेसाइड पता नहीं तो वो स्मेल्ट होता है नहीं होता जो भी है, अभी मैं इधर रख लेता हूँ। और अब अपना वो देख लेते हैं कि वो कितना हो गया आयरन, आयरन देख लेते हैं अभी। पहले एक इधर स्टोन और डाल देता हूँ, एक और डाल देता हूँ, कलेक्ट कर लेता हूँ, अब अपना वो देखते हैं स्टोन कटर बनाने के बाद अपना आयरन देख लेंगे। ये स्टोन कटर से जितना मेरे पास है ना, तो मेरे पास है तो नहीं, कहाँ गया स्टोन, अच्छा हाँ इसमें है ना, मैंने निकाला था, कहाँ था, दो स्टोन आ गए। और अब मैं से ये वाली शेप में पूरा घर बनाने का सोच रहा हूँ, तो ये दो ले लेते हैं, ये दो आ गए हमारे पास। अब अपना आयरन देखते हैं, 12 आयरन है, ये भी ले लेते हैं, एक वो तो बन जाएगा, एक और ब्लॉक बन जाएगा, तो हमारे लिए एक ब्लॉक और बनाना है। और हमें 4 चाहिए तकरीबन, हमें 3 अभी और चाहिए, और 3 लेने के बाद हम आराम से एक ब्लॉक बना पाएंगे। अभी मैं 5 अपने और 6 दो और इधर मिल गए, अब इन्हें भी ये वाला शेप दे देता हूँ ताकि घर बनाना साथ साथ स्टार्ट करते हैं ना, इतना आयरन स्मेल्ट हो रहा है, बहुत सारे काम हम लोग एक साथ कर लेते हैं। तो अभी घर बनाने के लिए सबसे पहले मुझे ये दो ले लिए, अब लेने के बाद मैं इन्हें भी एक ब्लॉक में और कन्वर्ट कर देता हूँ, और एक ब्लॉक में और भी कन्वर्ट कर देता हूँ इन्हें। ये यहाँ से, ओ रात हो गई, पहले सो जाओ, ये सो जाते हैं पहले। अब यहाँ पे ये आयरन और ले लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अब ज्यादा हो गया होगा। और अब एक ब्लॉक बनाने के बाद एक आयरन और चाहिए, जल्दी से स्मेल्ट हो जा भाई तू, लगता है हो गया, हाँ हो गया। अब ये इधर से एक और ले लेता हूँ, इतने 9 होता रहे, जब होना है हो भाई तू, ना हो मुझे कोई मसला नहीं है। ये मैं 4 लेके अपना एक एनविल तो बनाऊ, मेरा एक एनविल तो बन जाएगा ना आराम से। ये एनविल मेरा आ गया, अब मैं इस एनविल को इधर रख देता हूँ साइड पे टेम्पररी, अभी तो हम चेंज करेंगे, बड़ा करेंगे थोड़ा सा घर, तो जब बड़ा करेंगे तो मसला नहीं होगा इतना। अब मैं इसे चेक कर लेता हूँ ये कितनी रिपेयर मांग रही है, भाई एक में तो इतना रिपेयर नहीं होगा, तकरीबन मुझे फुल रिपेयर हो तब अच्छा है। इससे अच्छा मैं एक और पे कैक्स ना बना लूँ, मेरी इंचार्टमेंट लेवल भी जाएगी, और मैंने सुना है एनविल भी डैमेज हो जाता है अगर हम ज़्यादा एनविल से चीज़ें करते हैं। तो अब मेरा स्टोन भी थोड़ा सा हो गया ज़्यादा, यानी तकरीबन मेरा स्टोन भी हो गया, और सो इतने स्टोन मेल्ट हो रहा है, मैं आपको स्टोन मेल्ट होने के बाद मिलता हूँ।
तो स्टोन अभी स्मेल्ट हो चुका है, मैंने उसे चिसल्ड में कन्वर्ट भी कर लिया है और मैंने अभी अपने लिए एक बकेट बना ली थी और उसके अलावा मैंने एक जूते बना लिए थे और मैंने एक शेयर भी बना लिया था क्योंकि बाकी का आयरन इतना बचा था, 9 आयरन से इतनी चीज़ें बन सकती थी। लेगिंग नहीं बनी वरना हमारा पूरा आर्मर कंप्लीट हो जाता। अभी मैं अभी घर बनाने स्टार्ट करते हैं, पिकेक्स ले लूँ पहले अपनी। क्या हो रहा है मुझे ये इतना क्यों अटकता है ये मुझे समझ नहीं आती। अब मैं ये तोड़ने के लिए पहले पिकेक्स ले लेता हूँ ताकि मैं आराम से तोड़ पाऊँ ना। तो पिकेक्स नहीं है मेरे पास, इधर से लेनी पड़ेगी, ये ले ली। अब आराम से पहले इधर से स्टार्ट करता हूँ तोड़ना बिस्मिल्लाह पढ़ के, और अब हम जल्दी जल्दी तोड़ेंगे और चिसल्ड वाले ब्लॉक लगा दूंगा इतने में जल्दी जल्दी। मैं ना आपको टाइम लैप्स तो दिखाऊंगा लेकिन टाइम लैप्स में ना मैं एक चीज करूंगा कि बीच में ना एक कमरा बनाऊंगा, वो कमरा बनाते वक्त ना मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो कमरा बनाने में हो सकता है मुझे 5 मिनट लगे चीजें अरेंज करने में, नहीं यानी 5 सेकंड लगे मुझे वो कमरा बनाने में। वैसे बस एक दीवारी खड़ी करनी है तो उसमें कोई इतना इंटरेस्टिंग काम नहीं होगा, तो इसलिए मैं बस वो वाला पार्ट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो वाला पार्ट नहीं दिखा रहा। बस अभी घर आप लोग इतने टाइम लैप्स एंजॉय करिए और इतने मैं ये कंप्लीट करता हूँ, फिर टाइम लैप्स वीडियो आप एंजॉय करिएगा। छोटी सी है वो भी, इसके साथ ही मर्च होगी वो, बस ये कंप्लीट हो जाए। बेटा जाया तो मैं एक भी नहीं करूंगा, बस ये मैं यहाँ पे ऊपर लगा लूँ, ऊपर लगाने के बाद फिर आपको पूरा टाइम लैप्स वीडियो बना लेंगे। इसी में टाइम लैप्स इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि अभी बस ये लगा लूँ फिर लिखाता हूँ। उसके लिए अलग से पार्ट बनाना पड़ेगा ना क्योंकि स्प्लिट करने में बहुत मुझे मसला होता है। तो अब आप लोग टाइम लैप्स वीडियो एंजॉय करिए। फाइनली बहुत मेहनत के बाद मेरा घर कंप्लीट हो चुका है, जैसे मैंने बोला था मैं दीवार बनाऊंगा बिना वीडियो के, वो मैंने बना दी। और मैंने ग्लास के लिए थोड़ी सी चीजें भी तोड़ दी हैं और ग्लास भी बना लिया है क्योंकि चैन यहीं पर सामने पड़ी हुई थी मेरी, और यहाँ पे ये ग्लास मैंने सामने से विलेज सामने ही है तो उधर फ्लावर्स भी थे, फ्लावर्स से जाके तोड़ा, उसके बाद डाई बनाया, डाई बनाने के बाद ये लगा दिया। तो अभी घर थोड़ा सा अपना यानी ऊपर से थोड़ा सा प्लेन सा लग रहा है तो इसे भी जाके कुछ इसका भी इंतजाम करते हैं, ऊपर चलते हैं और फिर इसका इंतजाम करते हैं। कैसे बोला ऊपर चलते हैं और फिर इसका इंतजाम करते हैं। मेरी आवाज को क्या हो गया वैसे? गाइस यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, ये बहुत बुरा होता है यार। अभी तक खाली चैनल पे 80% लोगों ने अनसब्सक्राइब यानी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और खाली कुछ 20% ने सब्सक्राइब किया हुआ है, वो भी खाली 2 सब्सक्राइबर्स हैं। तो गाइस यार प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट दो, ज़्यादा नहीं बोला, एक अकाउंट से सब्सक्राइब कर दो खाली। आपके एक सब्सक्राइब करने से किसी की जिंदगी बन सकती है जी, समझ में आई जी? तो सब्सक्राइब मारिए जी। जी अब सामने से देखते हैं जी कैसा लग रहा है जी। जी पहले अंदर से टरकोटा ले आते हैं जी, क्या ले, सैंड ले, वूल ले, नहीं टरकोटा ले लेते हैं जी। जी टरकोटा आ गया जी, टरकोटा। जी और अब हम टॉर्च भी ले लेते हैं जी ताकि वापस ना आना पड़े जी। और अब जी यहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे जी, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये 5। और जी अब यहाँ पे हम डिजाइन सोच लेते हैं। अब देखिए मेरे अंदर का आर्किटेक्चर, नया वर्ड खुद निकाला, ये देखें अपनी आर्किटेक्ट की मैं स्किल्स शो कर रहा हूँ आपको। ये स्किल्स वैसे कोई मुझे नहीं लगता किसी काम आने वाली है मेरी,
जितनी गंदी मैंने ये बनाया है ना। पर तुम लोग ना टेंशन ना लो, आगे आके ना और अच्छा बनाएंगे इसको। ये अभी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। एक काम करता हूँ, इस वाले को तोड़ता हूँ और इस वाले को ऐसे लगाता हूँ, ऊपर वाले को तोड़, नहीं नहीं यार वापस से लगाना पड़ेगा, गलती से टूट गया। हाँ ऐसे, हाँ अब सही लग रहा है, वो गलती से लगा था मुझसे, अब सही लग रहा है। पर ठीक है, अब दूसरे साइड पे भी सेम चीज। नीचे मत गिरा कर, अब ये तोड़ो फिर से ऊपर जाओ। यार अजीब यार, नहीं टूटना चाहिए ना ऐसे, ऐसे बंदा बिना बताए कैसे तोड़ सकता है कोई, बस जैसी मर्जी आती है तोड़ देता। तो वापस ऊपर चढ़ो और उसको भी वैसा करो। ऐसा अच्छा लग रहा है घर, पहले ये देखा था कैसा था वीडियो बनने स्टार्टिंग में वीडियो की, और अब देख रहे हो कैसा हो गया। सर कहने हैं बस, घर बन गया अपना। चलो भाई रेडी हो गया, अब इसको तोड़ो, अब उसको तोड़ो, अब उसको तोड़ो। बल्कि नहीं, अभी टॉर्च लगानी बाकी है जी। ऊपर टॉर्च लगेगी जी तो और अच्छा हो जाएगा। एक टॉर्च यहाँ लगाओ, एक टॉर्च यहाँ। अबे जहाँ मेन पे लगानी है वहां पे तो मैंने लगाई नहीं। सबसे मुश्किल काम लगता है ये वापस चढ़ना। इतनी मेहनत से चढ़ो फिर वापस चढ़ो, अब ये नहीं आके तोड़ दो, ये अच्छा नहीं लग रहा। अब सेम चीज उधर करनी है, जाओ जी उधर करने। जल्दी जल्दी चल ले भाई, क्या क्या खाता क्या है ये जितना आहिस्ता आहिस्ता चलता। भाग लिया अगर थोड़ा सा, भाग लिया अगर क्या जाएगा तेरा। अच्छा तुम लोगों में से किसी ने, यानी व्यूज तो आते हैं ना मेरे, अब सब्सक्राइबर नहीं है वो अलग बात है, तो व्यूज आते हैं वो लोग मैसेज भी करते हैं पर सब्सक्राइब कोई नहीं करता। तो इनबॉक्स आया था मेरे पास एक, जैसे सबके पास आता है मेरे पास भी एक इनबॉक्स आया था, दो आए थे, एक जो मैंने अभी पहले बताया वो आया था, एक और इनबॉक्स आया था। और वो इनबॉक्स ये था कि आप हार्ड कोर में खेलो, पर अभी तो हम हार्ड कोर में खेल नहीं सकते क्योंकि हमारी इतनी हैसियत कहाँ, हमारे सब्सक्राइबर्स कहाँ, सब्सक्राइबर्स आएंगे तो हम खेलेंगे, सब्सक्राइबर्स नहीं तो नहीं खेलेंगे। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है जी, अयो जी अच्छा लग रहा है जी, आये जी अच्छा लग रहा है जी। अब बंद करो दरवाजा और अंदर चलो महाराजा। ये अच्छा बन गया। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना नहीं, क्योंकि अभी हम डायमंड की पिकैक्स बनाएंगे, तो बनाते हैं फिर। सो डायमंड की पिकैक्स के लिए हम आयरन ले लेते आयरन डायमंड की पिकैक्स के लिए आयरन डायमंड ले लेते हैं, क्या हो गया है, डायमंड लेते हैं, ये दो लेते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं और बनी पिकैक्स 1 2 3 और ये आहा एक्साइटमेंट, मिल गई डायमंड की पिकैक्स मिल गई। अब ना शॉर्ट भी बना लेते हैं, शॉर्ट बनाने के लिए हमारे पास पड़ा है ना इतना सारा मामला। अरे ऊपर था, चलो हाँ यहाँ पे भी है यार। बैटरी लो ना हो दी है, ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं और ये हो गया, ये आ गई अपनी शॉर्ट और शॉर्ट भी आ गई। और अब हम रख देते हैं बचा हुआ और इससे अब हम चलते हैं ऑब्सीडियन तोड़ने। क्या करने, ऑब्सीडियन तोड़ने। तो ऑब्सीडियन तोड़ने के लिए बकेट ले लेता हूँ क्योंकि लावा भी चाहिए होगा ना। उससे पहले मैं एक चीज और कर लेता हूँ कि मैं बकेट ले लेता हूँ, बकेट लेने से पहले ही मैं बकेट ले लेता हूँ। 5000 IQ। तो चलते हैं अपनी एक गड्ढा वड्ढा कर लेते हैं
पहले तो मैं यहाँ पे आ गया था, ये ले गए लावा और लावा मैंने ले लिया। मैं वापस जाता हूँ घर। और अब मैं गाइस एक मसला हो गया, वो मसला कोई आसान मसला नहीं है, यानी वो मसला ये हुआ कि ऑब्सीडियन तोड़ते वक्त का शॉर्ट, ऑब्सीडियन तो मुझे मिल गया, वो तो ऑब्सीडियन जो था मेरा वो तो मेरी इन्वेंटरी में ही पड़ा है, ये रहा। और साथ में अभी ये कंपास वगैरह मुझे विलेज से मिला क्योंकि मैंने ऑब्सीडियन तोड़ा और वो वाले शॉर्ट मुझसे गलती से डिलीट हो गया। तो अभी मैं आया था शुगर केन लेने क्योंकि मुझे बुक लेनी थी वो बनाने के लिए, क्या कहते हैं अपना यार, इंचैंटमेंट टेबल बनाने के लिए। तो मैं आ ही रहा था कि मुझे रास्ते में ये मिल गया, तो मैंने कहा क्यों ना ये ब्लॉक तोड़ लें जो ऊपर गोल्ड का है। और दो कंपास भी मिले थे क्योंकि मैंने अभी आपको जो कि दिखाए दो के दो कंपास, यार चेस्ट में से, विलेज के चेस्ट में से मिल गया। और मैंने शुगर केन भी ले लिए थे चार, अभी मैंने आपको दिखाए होंगे। अभी एक लावा है, लावा में न गिर जाए पहले डर्ट से फिल कर लेता हूँ। दो दो फिल कर लिया मैंने, अब दो फिल करने के बाद देख लो दो ही कंपास, अभी दो फिल कर लिया मैंने। और अब ये यहाँ से तोड़ लेते हैं, और तोड़ के मुझे लग रहा है ये लावा में गिरेगा। आप लोग का क्या ख्याल है कमेंट में बताओ जल्दी, इतने ही टूट रहा है। हाँ तो ये लावा में गिर गया जैसा कि मुझे पता था। और ये लावा, ओ मैं मर क्यों, मैं लावा नहीं नहीं मैग्मा था मैग्मा। ये चेस्ट खोला, अंदर क्या है, प्रोटेक्शन 4 थॉर्न्स 2 अनब्रेकिंग और ग्लिस्टरिंग और आयरन के नगेट्स। वाह क्या लूट मिली है। यही सी नेदर एक तोड़ के लगा देता हूँ लावा पे, ठीक है सही रहेगा, सही रहेगा, हाँ सही रहेगा। ओए 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 कैसे टूट रहा है, ऐसा लग रहा है मैंने पता नहीं क्या लगा हुआ। ओए पिकेक्स है क्या है ये यार, इतनी तेजी से, इतनी तेज तो कॉबल स्टोन भी इतनी तेजी से ही टूटेगा यार, यानी इतनी तेजी। भाई मैं सच बता रहा हूँ मैं सही प्रो बन गया, देख रहे हो कितने जल्दी मैंने पता नहीं 20-30 ले ही लिए होंगे, मुझे यही लग रहा है। चलो अब लगाने शुरू करते हैं और देखते हैं है भी कितने, ये भी हाथ के हाथ पता लग जाए। वो देखो चेस्ट जल रहा है, ये है भाई, देखा मैंने बोला था 20-23 होंगे कुछ। अब ये लगा लेता हूँ जल्दी जल्दी, और फिर ऑब्सीडियन तोड़ लेता हूँ, गोल्ड का ब्लॉक तोड़ लेता हूँ। ओए ओए यार ये मैग्मा क्या है मुसीबत, अब मैग्मा पे चढ़ाना सच बता रहा हूँ, फिर देखना मैं करता क्या हूँ। अब मैग्मा पे नहीं चढ़ना चाहिए मैं, अगर मैं देखा फिर से चढ़ा, अब मैं तोड़ दूंगा। ओए होए क्या तोड़ती है ये डायमंड की पिकेक्स, बस ऑब्सीडियन तोड़ने में बहुत टाइम लगाती है, ऑब्सीडियन तोड़ने में इतना टाइम लगाती है जैसे आप हाथ से वुड तोड़ रहे हो, बस इतना लगाती है ये वाली पिकेक्स। गोल्ड का देख रहे हो, मतलब तो आप देख रहे हैं, मतलब देख रहे हैं आप कितनी तेजी से टूट रहा है सब कुछ। कति खुदा बन गया मैं माइनक्राफ्ट का, नहीं ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, कति बस मजा देख रहे हो, स्पीड देखो स्पीड ये। तो अभी मैं ये तोड़ लेता हूँ, उसके बाद मैं शुगर केन और कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद घर चलते हैं। घर जाके फिर इंचांटमेंट टेबल बनाएंगे। उसके बाद इंचांटमेंट टेबल बनाने के बाद इंचांटमेंट टेबल बनाएंगे, और उसके बाद हम एक काम करेंगे, वो काम हमारे ये होगा, हम इंचांटमेंट कर लेंगे जल्दी से, हम जितनी इंचांटमेंट कर पाएंगे हम वो इंचांटमेंट कर लेंगे। तो जितनी हम कर पाएंगे उतनी कर लेंगे, जितनी नहीं कर पाएंगे उतनी नहीं करेंगे। मेरा तो ख्याल है भाई मुझे मेंडिंग तो चाहिए ही चाहिए, मैं उसके लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा कि मुझे मेंडिंग मिल जाए। तो इतने में ये तोड़ रहा हूँ बस आप भी देखिए, मैं थोड़ी देर लगेगी, 5 सेकंड और लगेंगे या 10 सेकंड लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड लग जाएंगे मुझे ये तोड़ने में। और बस आप ये तोड़ने के बाद मैं शुगर केन लेने जाऊँगा, बट वो मैं वीडियो में नहीं दिखाऊंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप लोग सुकून से रहें। तो उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको घर पर मिलूंगा। तो बस ये मैंने तोड़ लिया, अब आधे से ज़्यादा बस ऊपर चलते हैं, नेदरैक ओक प्लैंक्स लगाते हैं, नेदरैक तो काम आएगा, और एक ऑब्सीडियन बस ये लास्ट वाला तोड़ता हूँ, और तोड़ने के बाद फिर आपको घर मिलता हूँ। तो घर पे मिलता हूँ, और मैं साथ साथ बहुत सारे शुगर केन भी तोड़ लूंगा, फिर घर पे मिलूंगा और घर पे मिलूंगा। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे शायद कुछ हो गया, बस अब घर पे चलता है, बस ये दो दो तोड़ लूं। ये तोड़ते वक्त देखो कितना रिलैक्सिंग है, बस तोड़ते वक्त देखो, पर पक्का इतना लंबा नहीं करूंगा शॉर्ट, अभी थोड़ा सा लंबा करने दो। आप चाहो तो 10 सेकंड आगे स्किप कर लो, मसला नहीं है मुझे, 20 सेकंड कर लो, 30 सेकंड कर लो, उससे ज्यादा नहीं करना यार, वॉच टाइम भी चाहिए मुझे।
आ गया। चलो अब घर पे आपसे, अब सच्ची में घर पे मिलूंगा, वादा। तो गाइस जैसे कि मैंने बोला था, मैं घर पे मिलता हूँ और मैं पहुंच गया हूँ घर पे 36 नदर रैक के साथ। आपको नीचे दिख रहा होगा और बकेट भी खाली पड़ी है, पता नहीं क्यों पड़ी है पर पड़ी है। और अभी बस जाते हैं जल्दी 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 जाते हैं घर। यहाँ से यूं था ना घर का रास्ता, हाँ वो देखो वो टावर दिख रहा है। ये मैंने घर के ऊपर टावर अच्छा बनाया, पर तुम लोगों ने भी मुझे बोला, कैसे बोला बल्कि देखा ही नहीं अभी तक वीडियो तुम लोगों ने। हाँ बोला तो बोला, पिछली वीडियो तो देखी थी ना, उसमें बोला कि घर में ना एक बाहर पैसेज बनाओ। और अभी तक मैंने कुछ उगाया नहीं यार, क्रॉप्स वगैरह वेजिटेबल वगैरह वो उगानी पड़ेगी, क्योंकि सब मुझे बोल रहे हैं उगाओ उगाओ उगाओ, उगा नहीं रहे, नहीं उगा रहे तुम उगा नहीं रहे। भाई अभी पहली वीडियो डाली थी उसमें डायमंड्स मिल गए, दूसरी वीडियो में इतना प्रोग्रेस कर लिया मैंने जब, तो आगे वो तो छोटी चीजें हैं ना, वो तो हो जाएंगी, उसका मसला ही नहीं है। अभी इंचार्टमेंट टेबल के लिए मुझे क्या चाहिए, अब इंचार्टमेंट टेबल के लिए गाइस पहले ये सामान रख देता हूँ, अपनी कीमती यानी दिल से ज्यादा कीमती यानी सबसे ज्यादा कीमती सामान अपना इसमें डाल देते हैं। मैग्मा ब्लॉक डाल दिया, नई क्राइंग ऑब्सीडियन डाल दिया, गोल्ड का ब्लॉक डाल दिया, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे इसे, उसमें इंगट में और आयरन के नगेट भी डाल दिए मैंने एक जगह, पता नहीं क्यों नहीं कर रखे थे पर अभी कर लिया। अभी कैंपस डाल दिया, अभी पेपर डाल दिया, अभी बर्गर डाल दिया, अभी ये ले लिया वापस, अभी ये ऊपर कर लिया, अभी पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, अभी मैंने ये कर लिया, अभी ये डाल दिए, अभी फिर से निकालूंगा, पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, पर मैं कुछ तो कर रहा हूँ ना। बस देखो आप वीडियो देखो, वीडियो देखो, सॉरी सॉरी मैंने ज्यादा ही कुछ बोल दिया, सॉरी गाइस। अभी पेपर बना लेता हूँ, अब मैं तमीज से बोलूंगा, देखना बिल्कुल तमीज से बोलूंगा, इंजॉय करने को मिलेगा आपको वीडियो। अब देखो बस बस देखो, कति कति देखो, कति देखो, अब बिल्कुल तमीज से बोलूंगा ये। अब मैंने गाइस पेपर ले लिया है और अब मुझे चाहिए बुक के लिए लेदर, और लेदर है मेरे पास ऑलरेडी, और लेदर नहीं है तो अभी मैं दो बुक बना लेता हूँ, दो बन रही है वाह, मैं तो समझे था एक बन रही है। तो बुक बन चुकी है हमारी, डायमंड ले लेते हैं, ऑब्सीडियन ले लेते हैं, अब अगले एपिसोड में नदर पोर्टल वगैरह बनाएंगे। अभी आपने कुछ नोटिस किया, मैंने भी किया, जॉम्बी लिखा आया था, पता नहीं जॉम्बी कहाँ से, ओ जॉम्बी तो मेरी सिस्टर का, उसका नाम है, ये देखो बाहर घूम रही। यार तुम मेरे वर्ल्ड में क्यों आई हो, बस आ गए, अब क्या करूं, बस आना था, मेरा दिल कह रहा है कि तुम ही आ गई, जाओ वर्ल्ड से, नहीं अभी नहीं जाना है। गाइस ये छोटी 8 साल की है, मैं क्या बोलूँ अब इसको, चलो घूम लो इधर, पर तंग नहीं करना, आगे नहीं आना, और मेरी कोई हेल्प वेल्प करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो तुम्हें खेलना नहीं आता, खाली घूमना ही आता वर्ल्ड में। हाँ ओके ओके। यहाँ पे मैंने इंचांटमेंट टेबल लगा ली और अब मैं अपनी बुक को इंचांट करते हैं, क्या क्या मिला है, एफिशिएंसी 1, नॉक बैक, अनब्रेकिंग 3, बेकार, अनब्रेकिंग 3 चाहिए, अनब्रेकिंग 1 नहीं चाहिए यार, मुंह के आके नहीं आओ। अच्छा अच्छा नहीं आ रही, चलो चारिंग में, हाँ शाबाश। अब और क्या है, नदर रैक है और... फिर आ गई यार, तुम ऐसे बताओ यार, मैं कहा आ रहा हूँ, तुम खुद आ रही हो आगे और मुझे आ रही हो, आ रही हो, मेरी नकल उतारना बंद करो, समझ आ रही है, अपना काम करो ना, मैं अपना काम ही तो कर रहा हूँ, तुम आगे आ रही हो बार बार, काम नहीं करने दे रही, मेरी वीडियो खराब करोगी तुम। अच्छा अच्छा सॉरी, जा रही हूँ घर से बाहर। तो गाइस ये अभी घर से बाहर चली गई है, जैसा कि आपने देखा हमारी बातें, और हिट लाइक मेरी लड़की की आवाज के लिए मैंने निकाली, उसने कोई नहीं निकाली। हाँ मैंने निकाली थी ऐसी, झूठ बोल रहा है ये, लोवर लेफ्ट कर दिया, शाबाश पुत्र। हाँ मैंने लोवर लेफ्ट कर दिया क्योंकि मुझे मजा नहीं आ रहा था। तो अभी मैं गाँव के लिए लेदर लेने जा रहा हूँ, क्योंकि और लेदर ले लूंगा और बुक बना लूंगा, शायद मैं उन्हें इंचांट कर पाऊँ ना, बल्कि नहीं एक्सपी चाहिए, एक्सपी लेने आया था मैं एक्सपी लेने आया था, 7 लेवल तक जाना है भाई मुझे, 7 लेवल तक जाना है मुझे, पहले मैं जानवर वानवर मार लेता हूँ, फिर 7 लेवल तक जाएंगे और फिर इंचांटमेंट करेंगे नॉक बैक या किसी चीज की। तो ये घोड़े चोरे हैं, इन सबको मार लेते हैं पहले, और मारने के बाद लेदर लेने के बाद आपसे मिलूंगा। तो गाइज अभी मैं घर आ चुका हूँ सामान वामान लेके, और अब बुक को इंचांट करना है, बस लपे लपूली डाला, पहले देखती हूँ इंचांटमेंट क्या थी,
एफिशिएंसी नॉकबैक ले लेता है, नॉकबैक हमारे लिए बिल्कुल सही रहेगा और अपना प्लान थोड़ा सा चेंज कर देता है। ये नीचे वाले के बच्चे नॉकबैक 1 ले लेते हैं क्योंकि नॉकबैक का खाली शायद 1 ही होता, नॉकबैक 3 तो शायद नहीं होता। और अब वापस इन शॉट में नहीं हो सकती। अच्छा, इससे क्या क्या मतलब एफिशिएंसी, मैं क्या स्टोन की पिकैक्स कर रहा हूँ, इससे नहीं डायमंड की पिकैक्स लेके आता हूँ और डायमंड की शॉट लेके आता है, फिर हम इंचार्टमेंट करते हैं। ये आ गई हमारी डायमंड की पिकैक्स, ये आ गई हमारी डायमंड की शॉट। अब हम इंचार्टमेंट कर लेते हैं और इंचार्टमेंट हम अब कर लेते हैं, बस कर ही लेते हैं ना। हम ये लगाते हैं, इसमें भी वही सब कुछ मिल रहा है। हाँ, वही सब कुछ मिल रहा है। और इसमें क्या मिल रहा है, शार्पनेस वन स्माइट 1 नहीं यार, शार्पनेस 2-3 होता है, स्माइट मैंने 5 तक सुना है। तो कैंसिल। और अब क्या करना है मुझे, मैं अब क्या करूँ। हाँ, अब मैं ना बुक शेल्फ बना लेता हूँ या बुक ले लेता हूँ और ताकि और बुक को इंचांट कर सकूँ। पहले बुक शेल्फ बना लेते हैं, ठीक है। बुक शेल्फ बना लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा बुक शेल्फ बना लेता हूँ, एक से नहीं बन सकता ना, बुक नहीं बन सकती है। बुक के लिए मुझे क्या चाहिए, लेदर, बल्कि मेरे पास पेपर तो है ना शायद। हाँ, पेपर है मेरे पास, चेस्ट में रखा है ना मैंने, उसमें हाँ, बैरल में रखा, बैरल में ये पड़ा हुआ 13 पेपर पड़ा, अपना 13 पेपर भी आ गया। अब हम आराम से बना लेंगे अपने लिए, तीन बनना है, तीनों बना लो। और अब बुक शेल्फ के लिए क्या चाहिए, मैं यहाँ से ही ले लेता हूँ अपना ओक लॉग। और ओक लॉग लेने के बाद अब मैं बुक शेल्फ नहीं बना सकता क्योंकि मुझे प्लैंक्स में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। इनको हटाओ और मैं जितने प्लैंक्स बना सकता हूँ उतने प्लैंक्स मैं बना लेता हूँ। 24 प्लैंक्स मेरे लिए बहुत है। और अब ये मेरी आ गई वो, अब इससे मेरे ख्याल में मैंने सुना था कि वो बढ़ता है इंचार्टमेंट का, वो कॉस्ट कम हो जाती है, कुछ ऐसी पंगा होता है इससे बुक शेल्फ से। तो बुक शेल्फ इसके ऊपर लगा देता हूँ एक। क्या रात हो रही है? नहीं, मुझे लगा था रात हो रही है इसलिए बाहर आके देखा। अभी इसके ऊपर बस ये लगाना बाकी है हमारा। और बुक शेल्फ ये रहा, आ गया हमारे हाथ में बुक शेल्फ, और ये लगा दिया बुक शेल्फ ऊपर। अब बुक शेल्फ हमारा लग चुका है। अब हमें क्या करना है, लपियो लपुली डालना है, यानी लपिस लजुली डालना है। डायमंड के पिकैक्स से देखना है, सब कुछ वही है। हाँ जी, सब कुछ वही है। अब हम क्या करें, हम सॉर्ड पे कुछ ले तो नहीं सकते। मेरे ख्याल में मुझे डायमंड के पिकैक्स को ना एफिशिएंसी से कर लेना चाहिए इंचांट, ठीक है। रात तो हो रही है। हाँ, तो सुबह उठ के वो करते हैं एफिशिएंसी 1 से इंचांट कर लूंगा मैं। पहले मैं जाके और काउज वगैरह देख लेता हूँ, काउज वगैरह। तो काउज वगैरह देखने के बाद फिर आपसे घर पे ही मिलूंगा डायरेक्ट। तो अभी मैं और सारा लेदर लेके आ गया और मैंने और बुक्स बना ली ताकि मैं इंचार्टमेंट कर सकूं। तो इस बुक पे मुझे मिल रहा है शार्पनेस 1, पियर्सिंग 1, पावर 1, यानी पावर 5 होती है और पियर्सिंग भी 5 होती है। तो ये बुक से इंचार्ट करना मेरे लिए अभी तो बेकार है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं बुक को छोड़ के मैं एक पिकेक्स को एफिशिएंसी 1 से ही कर लेता हूँ, जो मुझे पहले से करनी थी। ये रखा, क्या हो गया, लैपिस लजुली। हाँ, एफिशिएंसी 1। एक बात बताओ, ये एफिशिएंसी 1, 2 लैपिस लजुली, 3 एन्चेंटमेंट लेवल, 1 एन्चेंटमेंट लेवल, इसका फर्क क्या है? मैं महंगा ले लेता हूँ, हो सकता है साथ में साथ भी कुछ नहीं मिला, हो सकता है कुछ बढ़ गया हो। अब एनविल है ना मेरे पास, हाँ बनाया तो था, कहाँ गया एनविल, कहाँ गया, ये रहा पीछे था जी, याद आ गया। अब एनविल पे मैं लगा लेता हूँ नॉकबैक 1, एनविल से लगा लेता हूँ। ये आगे मेरी डायम, ओ यार मैंने नाम चेंज करना था, चलो कोई बात नहीं। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतने ही, मिलते हैं आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हमें